दो दूल्हे हैं, एक ये दूल्हे हैं और एक वो दूल्हा है। मैं टूटू शादी करूंगी, हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं आप सबकी अपनी ऋषिका। सो आज का जो दिन है वो बहुत खास है, क्योंकि आज है सरस्वती पूजा। तो सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और जैसे कि हमारे बिहार में मानते हैं कि आज के दिन से ही ना, मतलब आज बसंत पंचमी है तो आज के दिन से होली की शुरुआत हो गई, नए साल की शुरुआत हो गई। तो आप सभी को सरस्वती पूजा की ढेरों शुभकामनाएं। और अभी घर में मम्मी ने मतलब प्रसाद के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, जिसमें फल है, पुआ है, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी मम्मी बना रही हैं। एंड उसके बाद मैं जाने वाली हूँ अपने शूट पे। और आज जैसे मुझे पता है, कुछ चीज़ें आपको पहले पता चल जाती हैं कि आज ना शादी का सीक्वेंस है, तो आज ना बहुत तामझाम होने वाला है, कुछ वैसे ही शूटिंग होने वाली है। सो चलिए चलते हैं शूट पे और मैं आपको दिखाती हूँ कि शादी की शूटिंग कैसी होने वाली है। साथ में कभी कभी शादी में होता है ना, बिन बुलाए मेहमान भी आ जाते हैं, तो मेरे यहाँ भी आए हैं एक और ये दो बिन बुलाए मेहमान आ गए हैं। अब इनकी खातिरदारी भी करनी है। सो चलिए चलते हैं शूट पे, पहले दिखाती हूँ कि मम्मी ने क्या बनाया है और पूजा कैसे हो रही है। सो स्टे ट्यून। मामी बाप रे, इतना सारा बन गया। ये मम्मी मुझे दे रही है शूट पे ले जाने के लिए कि मैं सबको खिलाऊं। कितनी मेहनत से बना रही है, देखो माँ, और टेस्टी बना है। मैंने और मम्मी ने बहुत अच्छे से पूजा किया, बहुत अच्छे से भोग भी लगाया, और भोग में पुआ था, मिठाई थी, और आज के दिन बेर का बहुत महत्व होता है तो बेर था, और मतलब फ्रूट्स में 7 फ्रूट्स थे, और पुआ और मिठाई थी, और हम लोगों ने बहुत अच्छे से माँ सरस्वती की पूजा की। और सिर्फ माँ सरस्वती की नहीं, जितने भगवान थे सबकी पूजा की। और बस यही मांगा कि जैसे चल रही है लाइफ में, अच्छी चीज़ें आगे भी चलती रहें। आता ना कुछ लेकर आती रहती है। देखो आज के लिए क्या, ये क्या है, ये भाई को मीठा पसंद है, मलपुआ है, तुम ऋषि का मालपोहा लेके आई है, पोहा ही लेके आई, मालपुआ। तो कल क्या लेके आने वाली है तुम खाने के लिए? अब जो आज पूछ रहा वो तो खा रोज का, रोज ऐसे करने वाली थी मैं, ऐसे करने वाली थी। ऐसे देख, कल तुझे खिलाऊंगी मैं ये। अच्छा, मैंने लाके लाई तुझे, लाके लाऊंगी मैं तुझे कल। ये तो आज भी लाई है। नहीं भाई, ये तो आज भी लेके आई, ये मजाक कर रही है, कुछ लाई खाने के लिए, कुछ बढ़िया बना के लेके आई, देखना कल देखना कल के। अच्छा पका लेता, सुन बेटा खा ले जो पकाया है तूने। तू क्या लेकर आया? अगला कल लेकर आया तो भैया भूलो मत बना के, हाथों से खिलाई आपको बना के। एक सदी पहले का लाया हुआ आज तक गिनाता है हमेशा। वेजिटेरियन हो गई, फुल्ली वेजिटेरियन। मैं नॉन वेज बना के लेके आऊँ चिकन। मैं फुल्ली वेजिटेरियन हो गई हूँ, एगिटेरियन भी नहीं रही। मैं तो पहले से ही हूँ, मैं एगिटेरियन भी नहीं हूँ। हम तो कुछ भी खा जाते हैं भाई, वो भी खत्म। अरे अरे मुंह में कर लेती हूँ सब, ताकि आराम से हो जाए। ऐसे करके मेरे को कौन कर
सो मैं तैयार हो चुकी हूँ और आज मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, मुझे पता है कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और भी बहुत सारे रीजंस हैं। थोड़ा लो फील कर रही हूँ, पिंपल हो गया फेस पे और शादी का सीक्वेंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पीछे, शिवम है पीछे एंड अपनी वाइफ से बात कर रहा है। सब लोग शादी के अटायर में एकदम मज़े में हैं, मज़े कर रहे हैं और मैं बस अब सेट पे जा रही हूँ और अभी मैं वहाँ पे शूट करने वाली हूँ। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड। रोलिंग, एक्शन, वसुधा जी। भारती बहुत प्यारी लग रही है ना? बिल्कुल परी लग रही है, परी तो है, भगवान करे इसे किसी की नजर ना लगे। भारती बहुत सुंदर लग रही हो। अच्छा नैना, एक काम करो ना, तुम नीचे चली जाओ और जाकर देखो कि सारी तैयारियां अच्छे से हो रही है ना। जी भाई। सो मैंने बताया था कि आज है शादी और नहीं, फोटो नहीं ले रही मैं शादी में। ये रही दुल्हन, ये रही, ये रहा दूल्हे का भाई और ये आपका पति। हाँ, मेरा पति दूल्हे की भाभी और ये दूल्हे की बहन। और अभी हमने शूटिंग की और नीचे का नजारा कुछ ऐसा है, हमने एक सीन कर लिया है अभी और अभी हम नीचे जा रहे हैं मेकअप रूम में। और पता नहीं मतलब ये सारा जो कुछ भी तामझाम दिख रहा है इसके साथ शूट करने का कब मौका मिलेगा, आज ही मिलेगा ये तो फॉर श्योर है। और बहुत प्यारी लग रही है ना, तो दूर जाना दिखाऊं मैं अच्छे से, या पोज दे दो। हाय अच्छे से पोज दे दिया, कीर्ति भी बहुत प्यारी लग रही है। शादी के लिए कॉन्टेक्ट करे ऋषिका जी से। अच्छा जिसे भी ये चाहिए ऑफर में, आई एम नॉट अवेलेबल। देखो देखो ऑफर में है, लूट का माल छूट में। और कीर्ति भी बहुत प्यारी लग रही है, नॉट अवेलेबल 8 साल बाद आना। भी अपना पोज दे रही, देखो जरा फंस गया, ये होता है पोज दे, पोज दे कीर्ति। शी इज द एग्जैक्ट ब्राइड फॉर यू गाइस, कॉन्टैक्ट हर डायरेक्टली। शादी है जुलाई में, रहने दो, मत कॉन्टैक्ट करना, इसका वाला मार डालेगा। सो अभी हम जा रहे हैं, ठीक है, 8 साल तक इंतजार करना होगा। सो अभी हम जा रहे हैं नीचे, डेट चलेगा मेरे को, अब डेट चलेगा इनको, मतलब सारा कुछ अपना बता दे रही है। प्रपोजल ऐसा है भाई, देख लो ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है, उसके बाद ही कुछ होगा। सो हम जा रहे हैं और फिर बहुत जल्दी मिलेंगे, स्टे ट्यून्ड। क्या बात है, लुकिंग नाइस नाइस नाइस, लो ये देखो ये लड़कियों। हाँ ले रहा हूँ, तेरा तेरे को वापस चाहिए कि ना वीडियो में जो पता है। अच्छा तुझे तू बाद में सेंड करूँ, ओके आई विल सेंड यू यार। अभी यहाँ पे बातें चल रही हैं कि जैसे तूने मोहन का बनाया वीडियो वैसे मेरा वीडियो क्यों नहीं बनाया। तो अब पता है बहुत अच्छी बात क्या हो गई हमारे सेट पे, पहले व्लॉग सिर्फ मैं बनाती थी, फिर मनमोहन भैया ने स्टार्ट किया था बीच में, मनमोहन बनाते नहीं है अब, नहीं बनाते हैं, फिर वकार सिंह ने स्टार्ट किया, मैंने बनाई हुई है, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है पोस्ट करने की, इसने बना लिया है और इसने अभी पोस्ट नहीं किया है, और अभी नदीम है जो एकदम कंटिन्यूसली रोज इसका एक ब्लॉग जाता है। और आज मैं देख रही हूँ प्रिया दी बहुत एक्टिव है, खुदक रही है अभी, ये खुदक रही है कि भाई मुझे भी ब्लॉग बनाना है। और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा होता है जब आप किसी को देखते हैं ना तो आप इन्फ्लुएंस होते हैं, जब आपको लगता है कि भाई कोई आ गया सपोर्ट करने वाला। बहुत अच्छे व्यूज आ रहे मेरे, बहुत बड़ा ये बच्चा है, जीसी डाल दो, बोलो ये बहुत सपोर्टिव, ये आता के जीसी डाल दो, देखो मैम क्या कह रही है, इतनी हिम्मत दी है तो मैं बना रही हूं। एग्जैक्टली यही होता ही है। महेंद्र जी
सबसे अच्छी बात ये है ना कि हम लोग ना मिलजुल के ब्लॉग बनाते मेरे सीन्स हैं तो ये शूट कर देता है, इसका सीन है तो मैं शूट कर देती हूँ, मतलब मिलजुल के सबके फोन से बनता है और सब एक दूसरे को एयरड्रॉप से ड्रॉप कर देते हैं और फिर एक अच्छा सा ब्लॉग शूट हो जाता है। और क्या बोल रही थी मैं, इस लड़की की शादी हो गई है, सिंदूर दिखाती हूँ, दिखाना सिंदूर। हाय, किससे शादी हुई है ये जाने के लिए देखिए जय भाई। वाह, फुल ऑन प्रमोशन। किससे शादी हुई है ये जानने के लिए देखिए जय भारती। जैसे अभी शादी ऐसे उसकी होने वाली है भाई, शादी किसी के साथ भी हो, सास को मैना की शादी होने वाली है, शादी किसी की भी हो, शादी किसी के साथ भी हो, सास तो मैं ही। अभी अगर अजय के साथ होती ना तो सास आप नहीं रहती, फिर भी उसने अजय बेटा कर कर बनाई। ये औरत बीमार है, बहुत बीमार है ये, महीने के 20 दिन हॉस्पिटल में रहती है और जैसे शूटिंग में आएगी ना, बैठने में उठने में और जैसे सीन में आती कितनी मेरा अजय बेटा टाइगर है, जिंदा है और ये बहुत एक्टिव हो जाते हैं। कैसे भाग के गए थे आप? बच्चा ऐसी भाग दादा चूड़ा डांस होता क्या बात है यो, जाओ टेलीकास्ट कर दे हो जाएगा बाबा बिंदास पे चैनल चाहेगा। अरे ये लोग डांस कर रहे हैं, ये नहीं कर सकते। कर रहे हैं सेट पे दो दूल्हे हैं, एक ये दूल्हे हैं और एक वो दूल्हा है, दुल्हन दो दूल्हा है और दुल्हन एक ही है, वही तो एक दूल्हा दूल्हा नहीं, क्या कर सकते हैं, शादी तो होगी, एक दूल्हे शादी करूंगी क्या क्या करूंगी बोलो जरा, मैं टूटू शादी करूंगी टूटू। सो मेरी हालत देख के आप सबको समझ में आ रहा होगा कि भाई क्या हो गया है। सो हुआ कुछ नहीं है, अभी जस्ट पैकअप हो गया है और रात के बज रहे हैं 11:15 अराउंड और बहुत ज्यादा थक गई हूँ मैं और सीन पे सीन और शादियों के सीन में ना मतलब जो भी चम्स होते हैं ना वो बहुत ट्रिकी होते हैं और मतलब कैसे बताऊँ, बैक टू बैक जब से आई हूँ तब से कर रही हूँ तो बस यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं और कल अगेन शूट पे आना है और एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है, बहुत ज़्यादा मन नहीं कर रहा है कि जोर जोर से एकदम एनर्जेटिक होके बोलूँ मैं, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे जितने भी लेटेस्ट अपडेट होना वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और यही कहूँगी कि वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ फैमिलीज में और ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा और बस जाते जाते यही कहूंगी गुड नाइट और अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, बाय।